जब आँख खुली तो मैं पेट के बल बेड पर बंधा हुआ था। मेरे पीछे काका नारा ढीला कर रहे थे। सामने एंडी बैठा हुआ हंस रहा था। वो देख, वो रहा बैल और तू कथा, कथी नहीं कथा, 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 कथा। ये पुराने खंडर बर्दाश्त के बाहर गर्मी और आदमियों का छोटा दिमाग। दादे को राजस्थान कुछ यूं लगा। अगर काका ना मरे होते इस ट्रिप के बाद तो मैं एंडी को मार डालता। एंडी मेरा कजन है, थोड़ा सा मीठा है। मतलब कि अगर एंडी पावर रेंजर होता तो पिंक रेंजर बनता। एंडी का बच्चा होगा तो उसकी माँ एंडी होगी, होगा तुम समझ गए। उसके काका अपने आखिरी दिन जी रहे थे, मुझे तो यही बोल के लाया था। शहर का नाम था चीरू। चूरू दर्शन में आपका स्वागत है। जब मातृभूमि का नाम कहीं सुनाई देता है तो दिलो दिमाग में एक उमंग पैदा हो जाती है। ऐसी ही उमंग पैदा होती है जब चूरू का नाम सुनाई देता है। बहुत ही सुंदर शहर था दिल्ली, जहाँ से मैं इस मनहूस जगह आया था। शहर में सिर्फ पुरानी हवेली और किले नहीं, और भी बहुत सी चीजें थी जो देखने लायक नहीं थे, जैसे सड़कों पर हकते गाय, बैल, गधे और लोग। चीरू के घरों में टॉयलेट बनाने का रिवाज नहीं था। सुबह सुबह हमें भी जंगल जाना पड़ता था। काका ने हमें अपने साथ ही बैठने को बोला, पर मेरे और एंडी से तो नहीं हो पाया। हमने अपनी अपनी प्राइवेट सभा बनाई, जहाँ से ना हम किसी को देख सके ना कोई हमें। काका उस जगह थे जहाँ उन्हें आराम से सड़क दिख रही थी, उनके पास फोन नहीं था ना। मेरी सभा शुरू ही हुई थी कि शिव 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 बोलते हुए काका उसमें घुसा है। आदमी तो आदमी, जानवरों ने भी मर्यादा खोती है, और आपकी मर्यादा का क्या, मेरी मर्यादा में क्यों घुसाए हो? मैंने बिना साफ किए जल्दी पैंट ऊपर चढ़ाई। अरे सुन तो, उधर जहाँ मैं बैठा था उसी सड़क के पड़ली तरफ एक बैल कूड़ा गाड़ी में मुंह डाले खड़ा था। अचानक से एक गधा आया और बैल के आगे खड़ा हो गया। बैल ने भी आओ देखा ना ताओ, तो अपनी दोनों टांगे गधे की पीठ पर टेक दी। अब आगे क्या हुआ ये तो तू समझ गया। मैं इमेजिन करने लगा। बैल ने गधे के कान में बोला था, सरप्राइज मदरफकर। एकदम से मेरा सपना टूटा। आदमी कुछ भी देखने बोलने लगता है मरने से पहले। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिकली। मैंने गांड फटी में पास की थी 11 12th साइंस स्ट्रीम से, और बायो तो 10th के बाद हाथ भी नहीं लगाई। पर साइंटिफिकली शब्द ऐसे इस्तेमाल करता हूँ जैसे मेरे कागज छपे हों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये सुनकर काका बिदक गए। हुआ था जब मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम फोन हटाओ अपनी नज़रों से तब तो कुछ दिखे। जब से मुफ्त का इंटरनेट मिला है सारे फोन में बस एक ही चीज़ देखते रहते हैं, तू भी देखता होगा। ऐसा नहीं है काका, इस पर पढ़ाई की चीज़ें भी होती हैं, देश दुनिया की खबर भी मिलती है। मैंने रेड ट्यूब का टैब बंद करते हुए समझाया। एंडी भी तब तक निकल कर आ गया। अच्छा नहीं विश्वास तो कल मेरे साथ बैठना, मैं पहले भी देख चुका हूँ। इसलिए बैठते हैं उस जगह, कम तो कोई भी नहीं हमारे खानदान में। काका के जाने पर मैंने एंडी को सारी बात बताई। यार भाई एंडी, कम से कम गधा तो नहीं, गधी होगी ये तो काका ने ज़्यादा ही बोल दिया। क्यों, गधा क्यों नहीं हो सकता, तू अपनी सोच को ओपन कर ब्रो। इसका अपना चल रहा था, मैंने कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। यही किस्सा रात भर मैं सोचते हुए सो गया। जब आँख खुली तो मैं पेट के बल बेड पर बंधा हुआ था। मेरे पीछे काका नारा ढीला कर रहे थे। सामने एंडी बैठा हुआ हंस रहा था। वो देख, वो रहा बैल और तू कथा, कथी नहीं कथा, 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 कथा। मेरी अचानक आँख खुली, कैसा अजीब सपना था। पर अब तो हर हालत में जानना ही था। मैंने काका से वहीं ले जाने को कहा। अब मैं, एंडी और काका उसी जगह बैठकर इंतजार करने लगे। बैल कूड़ा गाड़ी के पास ही खड़ा था। वो देखो, रोड के एंड से एक गधा चलता हुआ आ रहा था। मैंने बिल्कुल जमीन से लपकर चेक किया।
ये तो गधा ही है। गधा बैल के आगे आया और बैल सरप्राइज मदरफकर, उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। काका को देखा तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी थी। एंडी को देखा तो वो रो रहा था। सबको अपना प्यार मिल ही जाता है। एक मिनट, ये प्यार व्यार तो नहीं है, इनका जरूर पिछले जन्म का संबंध रहा होगा। भगवान भी इन्हें अलग नहीं कर पाए। ये काका के आखिरी शब्द थे और मैं ये सोच रहा था कि क्या पिछले जन्म में भी ये दोनों आदमी रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। 5000 सब्सक्राइबर चाहिए, 5000 घर का चिराग आदमी ने रोशन करके जाना है। महाकाल के आशीर्वाद से 5000 रोशन करना मुझे। 5000 स्टूडेंट को रोशन करके जाना आज मुझे। जय महाकाल। जल्दी से जल्दी शेयर करिए इसको, शेयर करिए जल्दी से जल्दी।